उन्होंने क्या किया है, समीक्षा करने की बात की है, उसके बाद शायद हटा है। लेकिन ये वो जानते हैं कि अगर नहीं हटाया तो जनता उनको रहने नहीं देगी। बहुत जागरूक हो गई है क्योंकि दो साल उनको दबाव नहीं डाल रही थी, बहुत दबाव है, हटा तो नहीं रही। नहीं, वो उन्होंने कहा है कि हम समीक्षा करेंगे फिर हटाएंगे, ऐसे ही करेंगे, समीक्षा करते करते टाल देंगे। नहीं, 5 साल तो नहीं, जनता ने उनको कुछ समय दिया है, इन्होंने भी जनता को वायदा किया है 1.25 साल में हम करेंगे। नेता लोग तो वादा ही करते हैं, दूसरा चीज करते ही नहीं आता, तो फिर अगली बार इनको हरा देगी सरकार, क्या फर्क पड़ेगा, वो आ जाएगी। जैसे बस चली गई, क्या है जिसमें दिक्कत ये है कि पत्थर हर जगह मारना चाहता है, पहला पत्थर कौन मारे, उसी बात, उसी ताकत वाली बात। आंध्र प्रदेश में अभी तो फिलहाल उन्होंने पार्शियल लागू किया है, थोड़ा हिस्सा, पूरा नहीं किया। नहीं, हट जाए शायद, वहाँ भी विरोध बहुत है। महाराष्ट्र वालों ने कल कहा कि हम हटा देंगे या तो इसको पूरा बदल देंगे, इतना विरोध हुआ है परसों महाराष्ट्र में। बंबई का पूरा मैदान भरा पड़ा, आजाद मैदान में लाखों लोग आंदोलन को, अलग अलग संगठन, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, सब अपने स्वार्थ के कारण मर रहे होंगे। मेरे हिसाब से इसको आना नहीं चाहिए। ये आदमी क्या बोलते हैं, राजू भाई कर रहा है तो अपने स्वार्थ से पैसा ले नहीं कर रहा है, हम उसे क्या समझाएं, क्या समझाएं बताना। हो सकता है उनका टाइप से वो भी होगा, ऐसा बोलते हैं अनजान आदमी। तो मेरे कहने का आदमी जब तक इनडायरेक्ट हो उसको आप सामने नहीं आ सकते, तो इनडायरेक्ट होगा, लागू है नहीं, मतलब 94 से चालू हो गया, 94 से बहुत थोड़ा हुआ। अच्छा, अभी 2005 से बहुत तेज हो गया, इसमें साइन हुआ 94 में, 10 साल वाले लागू हुआ, थोड़ा थोड़ा तब से हुआ। एक साथ तेरे हंगामा हो जाएगा देश में, बवाल हो जाएगी। चरण क्या है लागू करने के, चरण तो ये है कि अगले 3 साल में पूरा लागू करना, 2008 का पूरा लागू करना। इसमें फर्क क्या क्या मतलब पड़ेगा, जैसे कि 2000 नए कानून बनेंगे अगले 3 साल में, मतलब संविधान को मतलब संशोधन होता रहे, 57 साल में संशोधन, संविधान नहीं बदल सके तो ये क्या बदलेंगे लोग, लो क्या बदले, 57 साल हो गए आजादी हमारे देश को, तो पूरा अंग्रेज का ऐसे ही जैसे नया वैट कानून आ गया। अच्छा, ये एक संशोधन हुआ, ऐसे नया पेटेंट कानून आ गया, वो एक संशोधन हुआ, ऐसे ही नया कानून आते जाएंगे। लाभ के लिए होगा, हानि के लिए होगा मेरे ख्याल से, देश की हानि के लिए। जो पुराना वाला है वही तो है, नया तो संशोधन नहीं कर रहे, बढ़िया का काम करो जनता के हित में, अभी तो है सही होता तो कर लेते, तो सही नहीं है। चुनाव लड़के क्या फायदा, जनता को जागरूक करना इतना बड़ा काम है, जो जागरूक हो जाए वो चुनाव लड़े। मेरा ये कहना है कि ये सब विषय समझने के बाद लोग चुनाव लड़े, संसद में जाए जाके बदलू, विधानसभा में जाए जाके बदलू, मेरे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब समझने वाले 350-400 लोग पूरे देश में तैयार हों, वो चुनाव लें। टाइम लगेगा राजीव भाई, उसके हो जाएंगे, हो जाएंगे। नहीं, मेगा पार्टनर नहीं लड़ी, उसने एक दो लोगों को लड़वाया। नहीं नहीं, उसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे मन से नहीं किया, आधे अधूरे मन से किया। मेरी ये कोशिश है कि 2009 में अगर चुनाव होता है तो ये सब समझ रखने वाले 300-400 लोग संसद में जाएं, चुनाव लड़ें इन विषयों, इन विषयों पर, इन अलग बैनर पे लड़ें, एक साथ मिलके लड़ें, कैसे भी लड़ें, और जाके वहाँ ये सब बदलें। क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ताकत थी, वहाँ जाके भी शायद महात्मा गांधी की जो बात थी वो खास थी, वो सही थी, वो कभी कुछ उसको मरवाया गया। महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी के नोट में, जो 500 का नोट है तो बहुत ताकत है बोलने पर। मेरी एक प्रश्न, जैसे विकास हो रहा है, विकास के नाम पर खर्चे हो रहे हैं, सड़क पुल वगैरह बन रहे हैं, उस
उसमें कितना परसेंट पैसा यहाँ का है, कितना परसेंट बाहर का? 15 से 20% यहाँ का है, बाकी बाहर। उसी का हुआ, हमारा कहाँ हुआ, उसी का है। आप जो टैक्स भरते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को, वो कुल विकास का 15-20% के बीच में, बाकी जो 80% है वो कर्जे का है, अनुदान का है, चाहे केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से, विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसमें ऐसा कौन सा राज्य है कि जिसने विश्व बैंक से कर्ज नहीं लिया हो? कोई नहीं, एक भी राज्य नहीं। अभी देखो नया राज्य बना उत्तरांचल, उसने भी पहले ही साल में लेना चालू किया। अपना कुछ स्वार्थ रहता है, दबाव तो बहुत थोड़ा रहता है, स्वार्थ ज्यादा, और अधिकारियों का वो रहता है, सब दबाव अधिकारी डालते हैं, स्वार्थ इनको दिखाई देता है। 35 हजार इसका पेमेंट है, हिसाबो तो पता चलता 500 करोड़ का प्रॉफिट है। कहां भाई, मेरे पास जमीन है। अभी तुमने देखा टीवी चैनल पर अखंड प्रताप सिंह करके उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, उसकी कहानी आई थी आज तक की, वो चीफ सेक्रेटरी है जिसकी जिसकी सैलरी 24,000 रुपए महीने की है, अखंड प्रताप सिंह, हाँ, और उसकी लगभग 350 करोड़ की प्रॉपर्टी। कहाँ से अभी तो बात कर नहीं, उससे अच्छा ये है कि ये ऐसा काम करने से अच्छा है इनकम टैक्स ही हटवा दे, कोई टैक्स ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाएगी, कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इनकम टैक्स नहीं है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, जिसके पास जितना खर्च करे, या तो खर्च करे या बचत करे, तो बजाय हम बैंक खोलने के इनकम टैक्स खत्म कराएं, वो आसान है, वो आसान है, वो आसान है, बैंक खोलना मुश्किल है। उसमें क्या होगा, हमारे पास बैंक में पैसा इकट्ठा होगा, फिर उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, पैसा जहां एक जगह इकट्ठा होता है उनको करप्शन करता है, तो बजाय इसके सबके पास रहे अपना अपना ब्लैक मनी, सब अपना अपना खर्च करें, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चले मान लो गुरुद्वारे में, तो कोई कहीं, तो कोई कहीं, कोई तालाब बनाए, कोई कुआं खुदवाए, कोई धर्मशाला बनाए, कोई प्याऊ बनवाए, इसी में खर्च करें, देश को वही जरूरत है, गरीब लड़कियों की शादी करवाएं और गरीबों में दान बांटें, घर बनवाते जाए, उनकी सारी रहने खाने की व्यवस्था करें, यही सब, स्कूल चलाएं, कॉलेज चलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, गौशाला चलाएं, ब्लैक मनी उसी में खर्च हो सकता है, बजाय बैंक में जमा होने के, इस तरह से खर्च हो तो अच्छा लाभ हो, ये अगर जमा हो गया आके फिर तकलीफ करेगा। शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण की बात करें, नाम तो भूल गया हूँ, अभी नाम उनका एक लेख आया था कि शिक्षा जो ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार उन्मूलक होनी चाहिए, सब लेख लिखा था उन्होंने 4-5 महीने पहले, उसमें भैया ऐसे कोई स्कूल जो शासन के अंडर में तो नहीं है, शासन के विषय तो नहीं पढ़ाए जाते, बाकायदा स्कूल चलती है और इस टाइप के स्कूलों की जरूरत मिला, ऐसे कोई स्कूल को पता जो हम 6 बना रहे हैं, अभी मई से शुरू हो जाएंगे, एक बना रहे हैं बम्बई में, बम्बई से 7 किलोमीटर, एक बना रहे हैं मद्रास, एक बेंगलोर, एक भीलवाड़ा, एक कोटा और एक नागपुर, तो ऐसे 6 बना रहे हैं, गुरुकुल बना, उनमें ऐसी पढ़ाई होगी, रोजगार होगी, जब उसमें डिग्री तो मिलेगी नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं, वहाँ के बच्चा निकला वो कलेक्टर तो बन नहीं सकता, भले ना बने लेकिन अच्छा कारीगर बन सकता है ना। लेकिन यदि आपके स्कूल में, हम तो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, जिनको कारीगर बनाना है वो भेजेंगे, लेकिन भैया हर माता पिता को ये बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन ये ख्वाब देखता है कि मेरा बच्चा जो है वो सेक्रेटरी बनेगा, कलेक्टर बनेगा। कलेक्टर बन ही नहीं सकते 100 बच्चे, कलेक्टरों की कुल पोस्ट हिंदुस्तान में 680 है और 680 से ज्यादा तो बन नहीं सकते। भिखारी माता पिता भी कलेक्टर से तो सपना देखते ही नहीं, तो उनको ये बात समझानी पड़ेगी कि भैया
एक साल में 680 ही कलेक्टर बन सकते हैं और एक साल में 1 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या करेंगे बाकी? तो कोई कारीगर बनेगा, कोई वैद्य बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पढ़ाएगा, कोई कुछ खेती करेगा। खेती करने वाले ज़्यादा हो सकते हैं, कारीगरी वाले दूसरे नंबर पे, स्वयं रोजगार करने वाले तीसरे नंबर पे, नौकरी में तो अब ज़्यादा नहीं जाने वाले, नौकरी है ही नहीं। सर जैसे इंजीनियर वो आगे जाके खुद क्या कर सकता है? स्वयं रोजगार करें अपना, बजाय कहीं नौकरी करने से। कुछ नहीं, अपनी कंपनी चलाए, उसके लिए सर फिर पैसे देंगे? तो पैसे बैंक देगी लोन में, बहुत बैंक लेने देने को तैयार है। इंडिविजुअल लोन भी देती है और कोई इंजीनियरिंग फर्म बनाओ तो उसको भी लोन मिलता है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करके अपनी फैक्ट्री बनाई, अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे आप जिस स्कूल की कल्पना कर रहे हैं, आप उसके लिए जमीन कितनी चाहिए आपको? हमने तो जमीन लिया है 75 से 80 एकड़, सब एक एक जगह पर एक एक, लेकिन अगर 5 एकड़ भी हो तो उसमें हो सकता है, हो जाएगा भी 5 एकड़ आराम से, आराम से। उसके सिलेबस तैयार हो गया? हाँ, मई से शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल भी चालू हो जाएगी। हाँ सर, इस डिग्री कानपुर हम लोग भी बालों में खोलने करो करो करो, पहले बना लो उसको, सपना है, सिलेबस हम दे देंगे। और ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे गांव के, जो गरीब बच्चे हैं ना, जिनके पास पढ़ने को पैसा नहीं, वो सब आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पढ़ने, उनको किसी को कलेक्टर नहीं बनना। ऐसे भी चालू स्कूल कहीं पर है जहाँ हम देखने जा सकें? मई से हम दिखा देंगे, मई से अपना चालू हो जाएगा, बम्बई वाला सबसे पहले चालू हो रहा है। बिल्डिंग हमारी बन गई है, 5-6 वो बन गए हैं बड़े हॉल, और थोड़ा 2-3 और बाकी है। हम करीब 450-500 बच्चों के हिसाब से बना रेजिडेंशियल, मतलब बच्चे रहेंगे वहीं, रहना वहीं। वो क्या ये मतलब बच्चे 12 महीना वहीं रहेंगे, साल में 2 महीने छुट्टियाँ भी होंगी? साल में 2 महीने छुट्टियाँ, एक एक महीने की, एक महीने गर्मी में और एक महीने दिवाली दशहरा पर। उनको क्या है कि जो वो काम करेंगे उसी से उनका सारा खर्च होगा। हर बच्चा रोज 2 घंटे चरखा चलाएगा, 1-2 घंटे साबुन बनाएगा, भंजन बनाएगा, 1-2 घंटे खेत में काम करेगा, उससे जो उत्पादन होगा उससे उनका खर्चा चलेगा, बचा हुआ गुरुकुल में काम आएगा। शुरुआत में अपन क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? 15-20 जो सबसे आसान है, भंजन, वॉशिंग पाउडर, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, क्लीनिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू, ऐसे ये जितने प्रोडक्ट बने। 15-20 प्रोडक्ट मार्केटिंग अपने कार्यकर्ता करेंगे देश भर में। और हमने नियम ये रखा है कि जो पढ़ेगा वहाँ वो स्कूल की ही चीज़ें खरीदेगा, माने उनका परिवार, तभी हम एडमिशन करेंगे। फीस हम लेंगे नहीं, डोनेशन लेंगे, उनका एक गारंटी कि आपको हर महीने जितना सामान लगता है वो आप यहाँ से करेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 परिवार तो अपने कस्टमर हो गए परमानेंट, और उन परिवारों का एक एक अगर रिलेटिव भी हमारा कस्टमर हुआ तो 1000 हो गए, और 2-2 हुए तो 1500 हो गए, उतने में गुरुकुल आराम से चलेगा। 6 साल पहले तो उनको पढ़ाना पड़ेगा ना? पहले उनको बेसिक एजुकेशन देंगे 7 साल, फिर 7 साल की हायर एजुकेशन जिसको विद्या, एक शिक्षा और एक विद्या, मतलब क्या होंगे दोनों अंदर क्या हुआ शिक्षा? पहले शिक्षा देंगे जिसमें उनको गणित पढ़ाएंगे, भाषा पढ़ाएंगे, साक्षर बनाया जाए। हाँ, गणित, भाषा, फिर ये जो प्रकृति जगत की सारी चीज़ें हैं ये सब उनको पढ़ाएंगे। फिर अगले 7 साल में उनको विशेष अभ्यास करेंगे। आर्य समाज के गुरुकुल से और इसमें थोड़ा फर्क होगा। आर्य समाज के गुरुकुल में वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो सरकार बताती है, हमने सिलेबस अपना ही अलग बना। हाँ और क्या, पहले अभी मास्टर तो ऐसे तैयार करेंगे जो परमानेंट रहे। इनकी ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग अभी शुरू किया है। अपन भी भेजना चाहते हैं, मान लो कोई मास्टर भेज सकते, मई से उनके ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा। ट्रेनिंग भी कैंप चालू, पढ़ाई भी साथ साथ चालू वही पर। जैसे आपके हिसाब से एक स्कूल खोलने में बजट कितना चाहिए? बहुत छोटा सा यार, तब भी अभी हम जो बम्बई का बना रहे हैं वो करीब 2.5 करोड़ में बना है,
भाई को बहुत छोटा बोल रहे हैं आप तो नहीं नहीं मेरा ये टीवी सीरियल वाली बात कर रहे हो 100-200 करोड़ का सवाल है। आइए आइए साहू जी। नहीं नहीं अगर जैसे बालोद में हम शुरू करें तो 20-25 हजार से 50 हजार के बीच में बजट आए। अगर बना बनाया स्कूल मिल जाए तो बनाना हो तो बनाने का जो खर्चा है, मान लो 4-5 कमरे हों, एक हॉल हो तो उसको, और जरूरी नहीं है पक्का बने, कच्चा बना लो, ईंट का और वो जो फूस का बांस का वो बना लो। बिल्डिंग महत्व की नहीं है, पढ़ाया जो जाएगा वो महत्व। और हम तो क्या कर रहे हैं, हर एक के साथ गौशाला बनाई है, खेती रखी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा बिना गौशाला के चला सकते हैं। और जरूरी नहीं है तुम रेजिडेंशियल बनाओ, डे स्कूल चलाओ, सुबह से शाम तक पढ़ाओ, बाकी दिन छुट्टी, अपने घर जाए, फिर दूसरे दिन आए तो खर्चा कम आएगा। मास्टरों के लिए कोई शुल्क रहेगा? मास्टरों के लिए भी हमने यही सोचा है कि जो मास्टर बनाएंगे वो उनके पैदा, मास्टर भी उत्पादन का काम करें, बच्चे भी, माने उत्पादन करते करते सीखें। खाली सीखना अपने आप में कोई बड़ा काम नहीं, उत्पादन करना ज्यादा बड़ा। तो टीचर्स को जो शुल्क मिलेगा, जब वहाँ की तो बनी वस्तु उनको मिल जाएगी, दूसरा कुछ आर्थिक सहयोग? आर्थिक सहयोग वो के, वो जितनी ज्यादा बनाए वो बिके उसका पैसा उनको मिले, मेहनताना जिसको। जैसे हमने साबुन बनाया, ठीक है, अब बड़े मास्टर हैं वो तो मेहनत कर सकते हैं, दिन में 10-20 किलो साबुन बना सकते हैं, या 10-20-50 किलो वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं, या रोज चरखा चला के सूत ज्यादा बना सकते हैं, तो उससे उनकी आमदनी, खेती होगी उसकी भी आमदनी होगी, गौशाला है उसकी भी आमदनी होगी। शिक्षा को हम उत्पादन से जोड़ना चाहते हैं, काम करते करते सीखना, सीखते सीखते काम करना, खाली सीखने का कोई मतलब नहीं होता। अंक भी इंग्लिश कराएंगे, मातृभाषा अंक जो है 1-2-3-4 रहेंगे, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, इंग्लिश के क्या, इंग्लिश को भाषा के रूप में पढ़ाएंगे लेकिन बहुत बाद में, बहुत बाद में, कब भी जब वो 14 साल का हो जाए, 13-14 साल। उसके पहले और इंग्लिश माध्यम नहीं रहेगा, सिर्फ भाषा के रूप में सीखेंगे। जैसे इतिहास है, भूगोल है, हाँ ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन कैसा इतिहास कैसा भूगोल वो महत्व है। जैसे वो खुद है, उसका खुद का इतिहास पहले पढ़ाएंगे, वो किस दिन पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस परिवार में हुआ, परिवार का गोत्र क्या है, कुल क्या है, उनके परिवार का व्यवसाय क्या है, वो परिवार किस गांव में रहता है, उस गांव का इतिहास क्या है, गांव किस तहसील में है उसका इतिहास क्या है, तहसील जिस जिले में है उस जिले का इतिहास क्या है, जिला जिस राज्य में है उसका इतिहास क्या है, राज्य जिस देश में है उसका इतिहास क्या है, ऐसा इतिहास, इसी तरह का भूगोल, उसका अपना भूगोल, उसके पड़ोस का भूगोल, जिस गांव में रहता है उसका भूगोल, ऐसा इतिहास भूगोल का। ये नहीं कि अकबर बादशाह का इतिहास, जहांगीर का, हुमायूं का, वो बताएंगे थोड़ा, मुख्य तो ये अपना इतिहास वो ज़्यादा जाने, और उसी का काम भी आएगा उसके जीवन में। ऐसी भूगोल, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड विज्ञान उसको पढ़ाएंगे, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, जीव जंतु क्या हैं, इनका आपस में संबंध क्या है, एक दूसरे का, एक दूसरे पर निर्भरता क्या है, किसकी किसको जरूरत है, ये सब पूरा, चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, इनकी भूमिका क्या है, ये सब। और ये ज्ञान लेके जब कोई निकलेगा ना तो उसको किसी नौकरी की जरूरत नहीं, तो भोली क्रांति हो जाएगी, 10 साल बाद समझ में आएगा लोगों को, लेकिन जबरदस्त क्रांति रहेगी 10 साल तक बिना रिजल्ट के समय। नहीं, हमने ये करके देख लिया, रिजल्ट इसके आ चुके हैं। अच्छा। हमने कुछ गांव में, हमारे एक दोस्त हैं पवन गुप्ता करके, उनके साथ एक गांव मसूरी में, उत्तर प्रदेश में,
ऐसा एक स्कूल चला के देखा था पहले और उसके विद्यार्थियों को पढ़ा के देखा, बहुत अच्छे परिणाम। डॉन बॉस्को, उसके पीछे हमारा स्कूल चलता यही। तो उस स्कूल में हम लोगों ने जो शुरू किया तो जितने बच्चों को पढ़ाया वो आज इतने एक्सपर्ट हैं कि कोई वैज्ञानिक उनसे बात नहीं कर सकता, अपने विषय का इतना ज्ञान है। सॉइल साइंटिस्ट जितना नहीं जानता उतना उनको मालूम, पक्षियों के बारे में जितना वो जानते हैं कोई पक्षी वैज्ञानिक नहीं जानता, नेचर के बारे में इतना जानते हैं कोई नेचुरोलॉजिस्ट नहीं जानता। और वो सब बच्चे फेल हुए थे, हमने वो लिए थे, आठवीं में फेल हो गए, सातवीं में फेल हो गए। और जब फेलियर बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए तो जो होशियार है वो तो और ज़्यादा होने वाले। और वो सभी कारीगरी में आ गए, अभी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं अच्छा साबुन मंजन बनाते हैं, कुछ जूते चप्पल बना रहे हैं, कुछ खादी के कपड़े बना रहे हैं, सब अपना रोजगार चला रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, वो बेरोजगार नहीं है। पेंटिंग और मूर्ति कला की है उसकी ट्रेनिंग देंगे हम, मूर्ति कला, काष्ठ कला, धातु कर्म, मेटलर्जी, ऐसी 12 तरह की कलाएं सिखाएंगे हम, वो सिखाने वाले। ठीक, जब वो हम करेंगे तो बता देंगे। मेरे को सब इतनी सब चीजें सिखाने के लिए, खेती है, गौशाला है, ये सब 4-5 एकड़ हो जाएगा? हो जाए, एक छोटा सा खेत जहाँ सिखा सके, गौशाला एक छोटी सी, 5-6 एकड़ न्यूनतम में हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा फिर चाहे जितना हो अपने पास, इकट्ठा करो 4-5 लोगों को अपने बालोद में, शुरू करो, सिलेबस हम दे देंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग करा देंगे, चलता रहेगा। व्यवस्थाएं कैसी रहेगा वो तो कोई हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रिंसिपल हो कोई मैनेजर हो, करना क्या वो महत्व का है, इसमें प्रिंसिपल मैनेजर का महत्व नहीं है। हाँ देखा आपने, कुछ कुछ उसी तरह इस अगले साल तक 6 ऐसे गुरुकुल हो जाएंगे, फिर उसके अगले साल 2007 में 14 हम करने वाले, और 2009 तक हमारा उद्देश्य है करीब 40-45 करने। अभी आप घूम घूम के सब प्रचार कर रहे हैं तो और भी आपके साथी जो है घूम घूम प्रचार करने लगे हैं? हाँ काफी है, दक्षिण में बहुत, कर्नाटक में, आंध्र में, तो इधर भी कभी भी आते हैं, वो आएंगे तो कैसे बात करेंगे, कन्नड़ बोलते हैं तो इससे मतलब कोई इस मंजरी वर्धा में कोई तैयार हुए साथी वो भी आगे, वर्धा वाले मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो हिंदी भी जानते होंगे? हिंदी में ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारे सबसे कम कार्यकर्ता हिंदी वाले ही है। अब उनको हम इधर घुमा दे तो क्या होगा, वो जानते ही नहीं हिंदी, बात ही नहीं करेंगे, तुम जबरदस्ती कहो तो भी एक बार बोलेंगे फिर वापस मराठी में आ जाएंगे। सांप के बारे में समझा रहा था, एक गिलास पानी ले आइए ना, ले आएंगे। तो एक चप्पल के बारे में नहीं बता रहे थे? अच्छा, कि चप्पल इसकी पहनने चाहिए करके, टायर के। हाँ वो कौन सा जो बैठे कहाँ के थे? वो थे वहाँ के यवतमाल के, यवतमाल से। एड्रेस है क्या? हाँ है, वो अपनी किताब में पीछे है इसमें।
बहुत मजा आते हो तो महाराष्ट्र की लिस्ट में देखो, जितेंद्र लोढ़ाया उनका नाम महाराष्ट्र में देखो, वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, बोलो यहाँ बुलाए राजकुमार भाई के नाम भी हाँ बुलाते हैं करके शाम आ जाएंगे रात रात में, ये भी कार्यक्रम चल रहा है, आ जाएंगे समझने वाला। यवतमाल देखो वाटर रिसर्च के ऊपर समझना है भैया, आजकल बहुत पानी में मिलता है, यानी पानी जो है चीजें में मिलता है और ठंडा वाला देव है इसमें यवतमाल अनिल पटेल बैडिया जी का है नहीं अमरावती है यवतमाल, यवतमाल डॉक्टर अनिल पटेल साहब का है। हाँ बस इनको संपर्क कर लो तो जितने भी आए थे भागो देवी सच्चे व्यक्ति है, खुद ही अपना स्कूल में चले गए तो लंबे लंबे डॉक्टर लंबे लंबे इसमें लिखो ना उसका नाम जितेंद्र लोढ़ाया, जितेंद्र लोढ़ा लोढ़ा नहीं लोढ़ाया, उनसे संपर्क करना है अपना। हाँ सर्विस में, सर्विसेज में वकीलों के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में कर लीजिए, मैं आपको कल दे दूंगा। कैसेट नहीं बनाई क्या उनने? कैसेट अभी तक नहीं बनाई, वो ये कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता। अच्छा टूट टूट के बोलते हैं ना उनकी जो कैसेट है वो भी तो मिल जाए, कैसेट भी तो मिल जाए इनकी जो लैपटॉप की, सीडी मिल जाए लैपटॉप की। कहाँ दे रहे हैं आप? तुम बालों को कार्यक्रम करो ना, रात्रि विश्राम क्यों कराते हैं? कार्यक्रम तो इसलिए हम जा रहे हैं कि बाकी जगह मौका मिलना चाहिए। तो इनके सभी चैप्टर की सीडी कहाँ बनी दे रहे हैं? अभी पूरी नहीं बनी है, दे नहीं रहे ना वो तो? नहीं अभी बनाएंगे थोड़े दिन में, तब मिल जाएगी, दे देंगे वो सीडी सभी चैप्टर की एक एक सीडी, जैसे अपने को वहाँ दिखा रहे थे चित्रण करके। तो पानी बारे, हाँ वाटर के बारे में, शिक्षा के बारे में और गुलामी के बारे में, चार चैप्टर थे अभी। शिक्षा उनका कॉपी राइट उनको चाहिए, पैसा चाहिए बस। एक एक सीडी का कितना लगा? मटेरियल सब धर्मपाल जी से लिया, कॉपीराइट अपना मान। नहीं तो कितना लेगा वो? अब उन्होंने रेट फिक्स नहीं किया है लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे कुछ पैसा मिले। ठीक है ना, हाँ नहीं वो तो लेक्चर देने का बताया, सीडी देने का क्या देंगे? हाँ वो नहीं देंगे भैया, वो सीडी बन बना लेंगे, शिक्षा वाली तो हमने बना दिया लेकिन उसमें जो चित्रण किया हुआ था उसमें क्या है कि कुछ उन्होंने कार्टून बना के एक स्लाइड, तो अपन नहीं डाल सकते क्या? अपन ने मटेरियल लिया है, कार्टून बना बना के डलवा दे, क्योंकि लोगों को अभी जैसे आपने इसमें दिखाया और कार्टून में दिखाते तो उसमें फर्क पड़ता, इंटरेस्टेड बढ़ता कार्टून में दिखाते। कोशिश करिए ना उस टाइप का चित्रण करके बनाने का, हम तो इस पे सीरियल ही बना देंगे, वो चित्रण भी पिक्चर है, इस पे जब पिक्चराइजेशन होगा तो कितना जोरदार असर होगा देखो, क्योंकि इसी को गांव गांव में दिखाने में असर होगा, गांव गांव में सिंपल वे में देखेंगे नहीं समझ पाएंगे, अगर सीरियल में अगर वो दिखे अपना तो बैठा है ना, ये पीस कैसे बनी बोलते में सामने बोलता है, ऑडियो है मतलब वीडियो हो रही है, वीडियो भी है लेकिन वीडियो ज्यादा हमने प्रचारित नहीं किया, आधा गिलास और ले आया है, ज्यादा नहीं दिया लोगों को, ऑडियो दिया वीडियो में कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, ऑडियो में जितना ध्यान से आपने सुनता है
वीडियो में उतना ध्यान से देखता है तो सुनना कम देखना कम बैठता नहीं। तुम देखो ना एक एक्सपेरिमेंट करो, रेडियो पे समाचार सुनो और टीवी पे समाचार देखो, दोनों में अंतर समझ में आएगा। ऑडियो विजुअल दिखा के समझाना अलग है, भाषण देना अलग है। बाकी सब लोग हो गया भोजन तो आप क्या कर सकते हो चिंतन करिए, आप कुछ करेंगे तो मीडिया थोड़ा बहुत दिखाएगा। हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से बिखेर रहे हैं मल्टीनेशनल के सामने में। एक अखबार का संपादक खुद कह रहा है स्लेंडर बोले हैं तो बोले आप कितने जागरूक होकर कितना प्रेशर हमारे पर बना सकते हैं, वो बोले आपकी आपकी क्या है। अच्छा मतलब उन्होंने पूरा स्वदेशी में व्याख्यान दिया पूरा अपना इसमें जब स्पंदन हो रहा है तो जब हम कान पे लगा के बात करते हैं और क्या है कि आज करोड़ों की जनता है उसमें से मुस्लिम से जो बुद्धिजीवी होते हैं धीरे सुनने उंगली पे गिरे होते हैं काफी समझते हैं कि व्यक्ति अगर मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा मतलब समझदार है, और 99% लोग ये बोलते हैं जनता आदमी मोबाइल को नहीं करता इतनी जरूरी चीज है, मतलब उनकी 99 लोगों की नजरों में हमारी इज्जत जो है वो मटिया वेट कर रही है। या तो हमारे अंदर उतना ज्यादा स्वाभिमान लाल बहादुर शास्त्री के अंदर कहीं मुझे जो है वो चटेबी होना है, मुझे जो है वो सिक्स करके ही रहना है चाहे भरी दुआ कुछ बोले, ये इन भावनाओं को हम कैसे अपने आप को संभाले कुछ संभाले। इसमें देखो ऐसा है हम किसी चीज़ को स्टेटस सिंबल तब बनाते हैं जब दूसरों की देखा देखी करते हैं, हम देखा देखी में नापसंद जरूरत आधारित काम करें जरूरत आधारित चिंता करते कम हो जाए देखा देखी में ना करें। जब हम इसको उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा कैसे उपयोग करें कि ये हमारे को नुकसान भी कम हो जाए, कम से कम उपयोग करें माने जब आप घर में हैं तो इसका बिल्कुल प्रयोग न करें, लैंडलाइन से घर के बाहर हैं तभी थोड़ा करें, ज़्यादा लोग घरों में ही रहते हैं ऑफिस में रहते हैं तब भी जहाँ लैंडलाइन उपलब्ध है वहाँ इसका प्रयोग ना करें। और बता के रखें मैं यहाँ पे हूँ कोई काम हो तो यहाँ फोन करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके ऑफिस में लैंडलाइन है फिर भी मोबाइल रखते हैं, घर से बात हो रही है तो मोबाइल से बात करते हैं जबकि लैंडलाइन पर बात कर सकते हैं, लैंडलाइन थोड़ा सुरक्षित है इसकी तुलना में। तो
जितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुँचा, जब तुम कान पे लगा के बात करो तब ना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बाकी तो घूम रही हैं, घूमने दो उनको, वातावरण जब रिसीव कर रहे हो तब प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। रिसीव कर रहे हो या फिर जब आएगी तब यहाँ पर जब आएगा तो बहुत प्रभावित करता भी है हृदय और ब्रेन दोनों को, दिमाग को भी और हृदय को। वो थोड़ा अच्छा रहता है, वो कान में लगा के माइक से बात करो वो ज्यादा है सुरक्षित काफी है। कौन मेरे बारे में? नहीं, वो बाबा रामदेव जी ने गलत बताया था, मैं CSIR के रिसर्च प्रोजेक्ट में था, उन्होंने बता दिया इसरो, इसरो अलग है CSIR अलग है। बाबा रामदेव जी को दोनों में कोई अंतर समझ में नहीं आता, इसरो और CSIR वो कहते मेरे लिए दोनों एक जैसा। आपके सर्विस सेक्टर वाले लोग आ गए क्या? क्योंकि अभी जो सेशन है वो सर्विसेज का है, आने वाले थे। हाँ नहीं भी आए तो शुरू कर देते ना। ठीक है, आ जाए तो दीपक को पूछ लेते। हाँ पूछिए ना, उनके बैंक वाले तो आप चले गए कब? उनका ये मानना है कि सब बैंक में प्रॉब्लम आएगी, स्टेट बैंक में नहीं आएगी, इसलिए वो नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये आने वाली है कि ये सभी बैंक अगले साल से बिकने की तैयारी में है, सरकार खुली छूट देने जा रही है, कोई भी विदेशी बैंक आके भारत की किसी भी बैंक को खरीद सकता है, टेक ओवर कर सकता, वो WTO की एक कंडीशन। गवर्नमेंट ही बेचेगी ना तुम्हें? हाँ, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को बेच रही है ना, वैसे ही बैंकों को बेचेगी, अगले साल से ये शुरू हो जाए। तो सबसे पहला नंबर लगा हुआ है बिकने का, यूनियन बैंक सबसे पहले बिकने वाला है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये सब, और इनको खरीदेंगे सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या भारत के बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, धीरू भाई अंबानी दो चार बैंक खरीद लेगा, नुस्ली वाडिया खरीद लेगा, ये सब। विदेश में एक जो दूसरे तर्क आते हैं फायदा होगा सब लोगों को, और क्या, वो तो यही करेगा NPA थोड़ा अपने सिर पे लेगा, वो क्यों लेगा NPA में? तो दूसरा तर्क भी आता है कि अच्छी सर्विसेज मिलेगी, जैसे वो अंग्रेज कर्जा देता था और वो 90 रुपये का कितना रुपया लेता था, 100 रुपया, वैसे वो ये ICICI वाला अभी कर्जा मार लगा रहा है। वही एक्चुअली वही क्या चीज है जो हमको समझना है, ताकि अगर दूसरा कोई तर्क करे तो उसको हम समझा सकें भाई इसमें ये नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जहाँ पर अपनी जमा पूंजी रखते हो, ठीक है, वो बैंक अभी सरकार के कंट्रोल में है, जनता की संपत्ति है, सबकी, अब वो सब चला जाए प्राइवेट लोगों के हाथ में, छोटे लोग के हाथ में चला जाए, तो किसी दिन आपकी संपत्ति लेके भाग जाए तो गारंटी क्या है? तो सरकार गवर्नमेंट लेगी ना गारंटी, तो नहीं गवर्नमेंट गारंटी थोड़ी लेगी प्राइवेट बैंकों की, कोई गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में लाइसेंस देगी उनको तो लेगी ना जवाबदारी, लाइसेंस देने के बाद भी नहीं होती है, बहुत सारी नॉन बैंकिंग और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हिंदुस्तान में डंप हो जाती है, जब तक बैंक की सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार भुगतान करती है, और प्राइवेट हो जाए तो कोई सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन जब लाइसेंस देगी गवर्नमेंट उनको इस बेस में, आप जैसे बालों में सबके गिरवी रख लिया भग गए तो क्या कर लेगा वो गिरवी वाले, बताओगे? प्राइवेट बैंक के जब दिवालिया होते हैं तो लोग बेचारे फड़फड़ाते रहते हैं, पैसा डूब जाता है, सरकार किसी का नहीं दिलवा पाती, कुछ दिन फड़फड़ाते हैं फिर शांत हो जाता है, फिर क्या भूल जाते हैं लोग, क्या करें, कहाँ तक लड़े, समय ठीक है, बाकी सबको बुला लो भाई।
सर्विसेज का अभी लेना है क्या, ये पूछ लो सबसे। क्या जी?